हरियाणा के कद्दावर नेता और साथ में हिसार से बीजेपी प्रत्याशी चौधरी रणजीत सिंह चौटाला अभी हमारे साथ मौजूद है। चौटाला साहब जी, लगातार 25 तारीख नजदीक आती जा रही है, दिल की धड़कनें क्या कह रही है? चुनाव जीत रहे हैं, मोदी साहब का बड़ा तेजी से लोगों के मन में उत्साह है, हर आदमी समझता है जल्दी डेट है हम वोट डालें। बड़ा तेजी से माहौल बदल रहा है। मैं तो बहुत दिन से लगा हूँ, एक महीने से लगा हूँ, तकरीबन सब मैंने सारे हलके सब जगह पब्लिक मीटिंग भी होगी, 9 के 9 हलकों में एक नार नोंद रह रहा है जी। बाकी 8 जगह हमने सब जगह सभाएं के लिए, जहाँ हमारे मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी आए या दूसरे नए मुख्यमंत्री जी आए जी, और इसके बाद सारे दफ्तर हमने शुरू कर दिए, जैसे एक महीना करे हो गया, आधे गांव में कर बैठा, अब तक 250 गांव मैंने कवर कर लिए। कांग्रेस का तो शुरू ही नॉमिनेशन आज हुआ, उन्होंने तो कहीं है ही नहीं, कहीं उनका खड़का ही नहीं है जी। मैं कहता हूं बहुत अच्छे मार्जिन से हम सीट निकालेंगे जी। चौधरी साहब, अगर हम बात करें कुलदीप बिश्नोई जी की, वहीं बात करें हम कैप्टन अभिमन्यु जी की, पहले उनके मन में शायद कुछ नाराजगी थी, तो अब लगातार वो लोग भी आपके लिए प्रचार कर रहे हैं, कौन सी गोटियां फिट की है? नहीं, बहुत लोग रेस में होते हैं टिकट के लिए, स्वाभाविक है कि मोदी साहब का एक तरफा हुआ है, किसी को टिकट दें वही जीतते हैं जी। जैसे जनरल वीके सिंह को गाजियाबाद में टिकट दी, दो बार बने, यहाँ से सुखवीर सिंह जोनापुरियो का राजस्थान में दी, बन गए, तो जिसको भी टिकट मिलती उसने जीतना था। अब कैप्टन साहब भी एक सीनियर आदमी है, बीजेपी में सदा से है, उनका क्लेम था टिकट का, लिए पार्टी के फैसले होते हैं, हाईकमांड में अलग अलग रीजन होते हैं, किस जगह किसको फिट करना है क्या करना है, उसमें टिकट उन्होंने मुझे दे दिया। अब पार्टी का हुक्म है, कोई भी आदमी आज कैसे, जब पार्टी के साथ है तो चुनाव मुझे लड़ना पड़ा जी। पर कैप्टन साहब का ऐसा नहीं था, जब एक दिन नाम करते हैं तो साथ वाले कहते हैं क्यों कटा, बाकी ऐसा कुछ नहीं था। उन्होंने पहले दिन ये कह दिया कि तो सब मैं हाईकमांड से जरूर कहूंगा कि मेरा टिकट किस कारण से कटा, मुझे ये जानकारी हो जाए, बाकी मैं आपकी जी जान से मदद करूंगा। वो 3 दिन लगा के भी गए, आज मैं नारनौंद में 21 गाँव में था जी। उनके भतीजे जो है अजय सिंह सिंधु, वो तकरीबन वही उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी देख सकते जी, आज पूरे 21 के 21 गांव में रहा, जी जान से उन्होंने मदद करी जी, बहुत पूरा जोर लगा के पूरी ताकत लगा के उन्होंने करा जी। मैं नहीं समझता कि कुलदीप सिंह बिश्नोई मेरे साथ, दोनों में मेरे उनकी बहुत अच्छी दोस्ती है जी, उनके चुनाव में मैंने जी जान से काम करा जी, और वो मेरे लिए खुला वो और भव्य दोनों कह गए। आज उन्होंने आना था क्योंकि 9 हल्के मुझे कभी इधर कल भवानी खेड़ा हूँ जी, तो मुझे लग रहा है कि आज 6 से आके उन्होंने दोनों ने वहीं बैठना और चुनाव तक वहीं रहेंगे जी। चौधरी साहब, वहीं अगर हम हिसार लोकसभा सीट की बात करें तो आज पूरा प्रदेश देखना चाहता था कि आखिरकार जेजेपी की बात करें या फिर कांग्रेस पार्टी की बात करें, तमाम दोनों पार्टियों की तरफ से जोर आजमाइश की गई, रोड शो किया गया, नामांकन भरा गया और अपनी ताकत का एहसास करवाने की कोशिश की गई। आप किस तरह से देखते हैं दोनों पार्टियों के नामांकन को और रोड शो को? मैंने उनके रोड शो नहीं देखे क्योंकि मैं तो गाँव में था जी, किस गाँव करे, पर रोड शो हमारा बहुत बड़ा था। जिस दिन मैंने नॉमिनेशन फाइल करा, माननीय मनोहर लाल जी आए थे, उस दिन हमारी कोई 20,000 की भीड़ थी जी, हर हल्के से 2,500-3,000 आदमी आए थे, बहुत जबरदस्त उत्साह था लोगों में जी। अब आज उन्होंने करा, मुझे नहीं जानकारी कितने लोग होंगे, और देखिए भीड़ क्या, देखिए लोगों ने वोट देने हैं हर जगह जो है, वो सारा जितना साइलेंट वोट है तो सारा ही मोदी साहब का है जी। और मैं मतलब चौधरी साहब, अगर हम बात करें कांग्रेस पार्टी के नामांकन की, तो आज बीरेंद्र सिंह को आना था, बीरेंद्र सिंह की तरफ से ये कहा गया था कि मैं और मेरे कार्यकर्ता तमाम जयप्रकाश के नामांकन में हिस्सा लेंगे, लेकिन अचानक वो कार्यकर्ताओं की मीटिंग बुलाते हैं और वहां पे नाराजगी जाहिर करते हैं, तो क्या लगता है इतने बड़े कद्दावर नेता का नाराज होना और ये कहना कि हमारी पूछ नहीं की जा रही, कार्यकर्ताओं की वहां पे पूछ नहीं की जा रही? हुड्डा साहब जो है एक बार बाई चांस बन गए, सुल्तान सिंह और शैलजा उन्हें बना गए मुख्यमंत्री, उनका कुछ नहीं, चौधरी देवीलाल के सामने वो चुनाव जीत गए थे, ये उनकी बैकग्राउंड बन के मुख्यमंत्री बन गए। कांग्रेस ने देखा, लोगों ने देखा, जब वो मुख्यमंत्री बने सिवाय रोहतक के उन्होंने कुछ कराने, नौकरी लगे तो रोहतक में कच्ची पक्की पेंसिल, और कोई विजन था नहीं, बहुत पूर स्टाफ से सेक्रेटरी से घिरे हुए थे जी। उन 10 साल के चुनाव में कांग्रेस ने देख लिया, कांग्रेस ने उन्हें बिल्कुल दूर करके 10 साल से, सारा जितनी कांग्रेस है सारी उनसे नाराज है। देखिए भजनलाल जी उनके होते कांग्रेस छोड़ के चले गए, कांग्रेस में थे जी। अब इसके बाद वीरेंद्र सिंह जी बहुत सीनियर नेता थे, हुड्डा साहब को राजनीति में लाने वाले बहुत थे, विनोद शर्मा वो उन्हें वो राजीव गांधी के संजय गांधी के बहुत करीब थे, उन्होंने से एक यूथ कांग्रेस का स्टेट का सेक्रेटरी बनाया था जी।
इसके बाद हुड्डा का जीवन तो वीरेंद्र सिंह तो 1977 से विधानसभा में है जी, जो बंसीलाल परिवार सदा से या 68 से वो चीफ मिनिस्टर थे जी। हुड्डा तो 2005 में पहली बार विधानसभा में आया है जी। और हुड्डा ने तो जब बना चीफ मिनिस्टर तो केवल रोहतक 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 से बाहर देखा है, नौकरी तो रोहतक, फ्लाई ओवर बने तो रोहतक, कोई अगर IMT बने तो रोहतक। जब अगला 2014 का चुनाव आया तो उसमें रोहतक वर्सेज अदर्स हो गया, उसमें सारा हरियाणा जो था हिसार भिवानी सिरसा फतेहाबाद उन्होंने देखा तो क्षेत्रवाद पे है, बिना रोहतक के उसने कुछ सोचा ही नहीं। तो इस करके हुड्डा को बहुत नुकसान हुआ। हुड्डा आप ये समझे कि अब भी कांग्रेस नहीं है, हुड्डा केवल अपने बेटे की राजनीति कर रहे हैं, केवल वो चाह रहे हैं कि मैं दीपेंद्र को राजनीति अपने सारा दे जाऊँ, मैं दीपेंद्र को चीफ मिनिस्टर बना दूँ। जब राहुल गांधी MP नहीं बन सकते तो उसको कैसे चीफ मिनिस्टर बना देते, वो चंदा मामा वाली कहानी है, अपने जोड़े जा रहे हैं करे जा रहे हैं, कुछ नहीं है। कांग्रेस सारी नाराज है, जयप्रकाश के नॉमिनेशन पे ना वीरेंद्र सिंह जी थे, ना शैलजा थी, ना किरण थी, ना आपके कैप्टन अजय थे, ना रणदीप सुरजेवाला थे, सारी कांग्रेस अदर्स है। मतलब हुड्डा साहब की अकेली एक विकेट है, जो सामने कोई बैटिंग करने वाला नहीं है। चौधरी साहब, आप लगातार एक बात कह रहे हैं कि कांग्रेस का पतन हो रहा है, कांग्रेस बिखराव की ओर है, कांग्रेस ज्यादा दिन आगे बढ़ने वाली नहीं, क्या वजह मानते हैं, क्या कारण है, क्यों बार बार आप ऐसा? कांग्रेस का सबसे ज्यादा जो नुकसान हुआ जी वो उस दिन हुआ जिस दिन सोनिया गांधी ने यह तय करा कि मैं राहुल गांधी को अगला देश का प्राइम मिनिस्टर बनाऊं जी। और इस तजर्बे में वो कभी मनमोहन सिंह को आगे करते रहे, कभी करके राहुल बन नहीं सके, और इस करके कांग्रेस खत्म होती गई। उन्होंने जो अच्छे चेहरे थे जैसे माधवराव सिंधिया थे उन्हें बाहर करा, जो ऐसे प्रणब मुखर्जी जो बन सकते थे उन्हें बाहर करा, इस करके सोनिया गांधी नरसिम्हा राव को उन्होंने बाहर करा जी। ये जो पोटेंशियल कैंडिडेट थे प्राइम मिनिस्टर के उन्हें बाहर करा, इस करके कांग्रेस खत्म हो गई, राहुल को लोगों ने एक्सेप्ट नहीं करा जी। वो ही हुड्डा साहब के साथ आदत हो गया है, हुड्डा साहब सब कांग्रेसियों को बाहर करते जा रहे हैं, उनके सामने कांग्रेस पार्टी नहीं है, वो एक ही बात में लगे कि मैं दीपेंद्र को अपना बेटे को चीफ मिनिस्टर कैसे बना दूं, मैं अपने जीवन में उसको चीफ मिनिस्टर बना के चला जाऊं। उसकी दीपेंद्र की भी हालत राहुल गांधी जैसी है, दीपेंद्र को लोग चीफ मिनिस्टर नहीं बना सकते, वो इस करके उनको उसको रखने के लिए चेहरा, बाकी सबको कांग्रेस में खत्म करते जा रहे हैं। वीरेंद्र सिंह चले गए, शैलजा चली गई, किरण चली गई, उसके बाद आपका ये क्या नाम अब कैप्टन अजय उनके खिलाफ हो गए, रणदीप सुरजेवाला उनके खिलाफ हो गए, शैलजा उनके खिलाफ हो गए, जितने कांग्रेस के आप देखें एक आदमी भी उनके साथ नहीं, जितने सीनियर लीडर्स हैं वो अपनी सीटों में, वो मेंबर पार्लियामेंट रहे हैं, उनकी फैमिली बैकग्राउंड रही है, अब उनको ये कैसे काट देंगे। सर छोटू राम का बहुत बड़ा नाम था, हुड्डा साहब के तो दादा को कोई नहीं जानता, हुड्डा साहब कौन थे, हुड्डा साहब का तो कोई था नहीं, ये तो एक महम कांड की उस गलती से जो देवीलाल का चुनाव हारने से हुड्डा साहब का अपना नाम निकल गया। जैसे कभी एक वो बन गए थे वहाँ राजस्थान में एक चीफ मिनिस्टर बने थे, खटीक बरादरी से थे, मैं नाम भूल गया उनका जी, वैसे इनका दाव लग गया, जैसे चन्नी चीफ मिनिस्टर बन गया ऐसे हुड्डा चीफ मिनिस्टर बन गए, हालात की वजह से बन गए। देखिए इन्होंने कांग्रेस को इस बात से खत्म कर दिया कि मैं दीपेंद्र को आगे कर दूं, दीपेंद्र को आगे करने से जितने बढ़िया नेता थे उन सबको कॉर्नर करते गए, कांग्रेस खत्म हो गई। मैं नहीं मानता अगली विधानसभा में कांग्रेस की 10 सीटें भी नहीं है जी। चौधरी साहब एक बात और, कुलदीप बिश्नोई भी जब मंच से बोल रहे थे तो उनकी तरफ से ये बात कही गई कि इनका रिकॉर्ड है, हमारी 3 पीढ़ियों से ये हार चुके हैं और हमारा तो इनके ऊपर, जैसे हरियाणवी भाषा में कहते हैं, हाथ बैठा हुआ है। इनके ऊपर? जयप्रकाश के ऊपर। नहीं, जयप्रकाश कहीं कुछ है नहीं, देखिए मैं जयप्रकाश को कुछ नहीं मानता जी, जयप्रकाश तो एक टीकाराम का ड्राइवर होता था बेचारा, कुछ था नहीं, जो देवीलाल ने उसे बना दिया। और वो तो एक दिन सभा में कहा था कि ये गांव में सरपंच नहीं बन सकता था, बोले खड़ा हुई तुझे मैंने डिप्टी मिनिस्टर बना दिया ना, सेंटर मैनेजर बना दिया, बोले तुझे गाँव में कोई सरपंच बना सकता, बोले ना जी मेरे कहाँ था, कुछ था ही नहीं जयप्रकाश। जयप्रकाश तो जो देवीलाल का बहुत बड़ा कद था, वो देश के प्राइम मिनिस्टर ये बनाया करते थे, लालू मुलायम को उन्होंने बनाया था। ग्रीन ब्रिगेड का जो महम भाई इलेक्शन था उसमें ग्रीन ब्रिगेड की जो भूमिका रही उसका मेन सरगना जयप्रकाश था, जो देवीलाल के सारे जो राजनीति का पतन का कारण महम भाई इलेक्शन हुआ, उसके बाद चौधरीलाल की पोजिशन राजनीति में, चौधरीलाल रोहतक में हार जाए उसका सारा कारण ये जयप्रकाश था जी। तो कहीं चौधरीलाल के तो कहीं छाव में भी नहीं आता, कहीं भी नहीं है। चौधरी साहब वहीं अगर हम बात करें बड़े बड़े चेहरों की, तो क्या मोदी जी की बात करें या फिर अमित शाह की बात करें, JP नड्डा की बात करें, तमाम बड़े चेहरे
कब हिसार में आ सकते हैं, कब उनको बुलाया जा सकता है? ये तय होता है, ऊपर हाईकमान तय करता है कि मोदी साहब को कहाँ कहाँ जाना चाहिए, जिस जगह जाए कौन सी 3 सीट इकट्ठी निकल के आ सकती है, ये उनके कैलकुलेशन में देखता है कि 400 से ऊपर आंकड़ा पार कैसे करेगा, ये उनका निर्णय करना होता है। वो जब वो फैसला करेंगे तो माननीय मनोहर लाल जी को और हमारे जो आदरणीय मुख्यमंत्री जी हैं उनको वो बताएंगे, उनको फैसला आएगा। अब कहाँ बनता है वो उनके हिसाब से प्रोग्राम बनेगा, उसकी मुझे कोई जानकारी नहीं, जब ऑफिस में पता लगेगा तो अपनी तैयारी करेंगे। चौधरी साहब, आपने बरवाला से जेजेपी विधायक जोगीराम सिहा को मना लिया है, तो क्या आपकी दादा गौतम से भी कोई बात हुई है? मेरी बहुत रोज बात होती है, हमारे साथी हैं, पंडित जी बहुत समझदार आदमी है, वो बहुत मेरे ख्याल में पॉलिटिकली सबसे समझदार आदमी है वो जी, और मैं उन्हें समझाऊं कोई अच्छा नहीं लगता, अपने हिसाब से वो निर्णय लेंगे। मेरा ये मानना है कि देखिए कांग्रेस को वो मदद नहीं करेंगे, कांग्रेस के साथ कभी जा ही नहीं सकते, वो विचारों से भी कांग्रेस के नहीं है जी। तो क्या लगता है कि चुनाव कैसा रोचक रहने वाला है आने वाले दिनों? मेरा ये मानना है, देखिए हरियाणा में अल्टीमेटली जब चुनाव आएंगे, परिणाम आएंगे, तो मोदी साहब का जैसे जिस दिन मोदी साहब का जलसा होगा उस दिन हवाई और तरफ हो जाएगी। मेरा ये मानना है 10 की 10 सीट पिछली बार जीते, अब के उससे भी बड़े मार्जिन से जीत निकलेंगे जी। ये थे हरियाणा के कद्दावर नेता और साथ ही साथ चौधरी देवीलाल की विरासत को आगे बढ़ाने वाले चौधरी रणजीत सिंह चौटाला, जिनको राजनीति में एक अच्छे इंसान के रूप में और साथ में जनता के हितेशी के रूप में जाना जाता है। हालांकि अब की बार ये हिसार लोकसभा सीट से बीजेपी की टिकट पर अपनी किस्मत आजमा रहे हैं और इनकी तरफ से ये दावा किया जा रहा है कि हर हाल में ये हिसार लोकसभा सीट के ऊपर कमल खिलाएंगे और साथ ही साथ हरियाणा की 10 लोकसभा सीटों के ऊपर भी हरियाणा की जनता कमल का साथ देगी, कमल को खिलाने का काम करेगी। हालांकि परिणाम क्या रहेगा ये तो आने वाली 4 जून को ही पता चलेगा। बहरहाल एक बात तो तय है, जैसे जैसे 25 तारीख का समय नजदीक आता जा रहा है, वैसे वैसे हरियाणा का राजनीतिक सियासी पारा गर्माता जा रहा है। अमित के साथ अजय लोहान, बिंदास रेणा।